हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हमारी मशीन टाइट चले अथवा आवाज़ करे बहुत तेज़ तो हमें क्या करना चाहिए और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसा गजब का आइडिया आपको बताने वाले हैं और एक ऐसा गजब का ऑयल आपको बताने वाले हैं जिसे लगाने से हमारी मशीन हमेशा अच्छी चलेगी और नरम चलेगी। फ्रेंड्स, कभी भी टाइट नहीं चलेगी और कभी भी पुर्जा इसके कटेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बस एंड तक देखते रहें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी आवाज़ कर रही है मशीन मेरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से सबसे पहले हमें इसकी सफाई कर लेनी है मशीन की। फिर हम आपको बताएंगे कि हमें ऑयल कैसे लगाना है और कौन सा ऑयल लगाना है ताकि अच्छे से चले। फ्रेंड्स, क्या होता है कि सिलाई करते करते हमारी मशीन के अंदर कचरा आ जाता है और कचरा इतना आ जाता है कि फिर मशीन हमारी तेज़ आवाज़ करने लगती है। फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कितनी गंदी हो गई है मशीन। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हम आपको इसकी आवाज़ बिल्कुल मस्त करके दिखाएंगे और अच्छे से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसका नाल खोल लेना है। नाल खोलने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर प्रॉब्लम जो भी आती है इसकी नाल से ही आती है। जो मशीन में जो नाल लगा हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो नाल है, इसी से प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से मशीन सही से दिख रही होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले नाल बाद में खोलेंगे, सबसे पहले हमें आपको बताना है कहाँ कहाँ की सफाई करनी है, उसके बाद इसमें कौन सा ऑयल लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरीके से आप सफाई कर लें मशीन। फ्रेंड्स, कभी भी ख़राब नहीं हो सकती अगर आपने ये वीडियो देख लिया और इसे इस पर अमल किया। फ्रेंड्स, बात अमल की होती है, अगर आप अमल नहीं करेंगे, इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आपकी मशीन जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी। फ्रेंड्स, अच्छे से सफाई कर लें, देख लें फ्रेंड्स कोई पुर्जा हमारा कटा हुआ हो उसे भी देख लें कि कटे, जब पुर्जा कट जाते हैं तो आवाज़ मशीन ज़्यादा करने लगती है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हल्की तो आवाज़ देगी, लेकिन फ्रेंड्स जो अभी आवाज़ दे रही थी वो आवाज़ नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सबसे पहले आप इसे सफाई कर लें अच्छे से, फिर हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारी मशीन में धागा फंस जाए तो कैसे निकालें, अगर हमारी मशीन धागा काटती है या धागा छोड़ छोड़ के चलती है, ये सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको करना क्या है, बस जो हम आपको आइडिया बता रहे हैं उस आइडिया से अगर आप काम करेंगे तो आपकी मशीन हमेशा सही चलेगी और अच्छी चलेगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी पुरानी है डिब्बी, लेकिन फिर भी सही से वर्क कर रही है। डिब्बी को कैसे रिपेयर करें फ्रेंड्स, ये भी वीडियो हमने बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी आवाज़ कर रही है। तो अब इसे सही करने के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसी सीसी ले लेनी है। हमें इसमें मशीन वाला ऑयल नहीं डालना है, मशीन वाला ऑयल उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई होती है जिससे वो जल्दी से सूख जाता है और मशीन हमारी सूख जाती है और फिर चलती है तो फिर आवाज़ करने लगती है। तो फ्रेंड्स, हम इसके लिए लेके आए हैं डाबर का जो अनमोल गोल्ड ये पैरासूट नारियल तेल है। फ्रेंड्स, नारियल तेल है सबसे बेस्ट और सबसे मशीन के लिए सबसे कारगर चीज़ है। फ्रेंड्स, हम कई सालों से इसे यूज कर रहे हैं और हमारी मशीन एकदम नरम चलती है, पानी की तरह एकदम अच्छी चलती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फ्रेंड्स, 45 ग्राम यानी कि 50 ग्राम फ्रेंड्स 10 रुपए में, मात्र 10 रुपए में 50 ग्राम 45 ग्राम आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर ऑयल लेंगे तो 10 रुपए में वो भी 40 या 50 ग्राम मिलेगा, लेकिन इससे 100% ज़्यादा अच्छा ये काम करेगा। फ्रेंड्स, इसे हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से ऑयल को थोड़ा डाल लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सर्दियों में मशीन टाइट भारी चलने लगती है और त्वचा भी रूखी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मशीन को भी सही ये करेगा, उसके बाद आपकी त्वचा को भी एकदम सही और अच्छा रखेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम थोड़ा इसमें कर लें। फ्रेंड्स, अगर और कोई अगर ऑयल होगा तो वो ज़्यादा पतला होता है और ये थोड़ा गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने की वजह से ये ज़्यादा देर तक मशीन में टिका रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लगा लें फ्रेंड्स और इसे अलग कर दें। अब हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ आपको लगाना है ताकि आपकी मशीन अच्छे से वर्क करे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हम वीडियो क्वालिटी सही से मिल रही होगी। अगर कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप हमें कमेंट करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ऑयल कहाँ पे लगाना है, सबसे पहले यहाँ पे लगाना है ऑयल, देख सकते हैं फ्रेंड्स, बस थोड़ा थोड़ा लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना। आपकी मशीन एकदम अच्छे से और सुंदर चलने लगेगी, बढ़िया, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगी और मस्त चलेगी। फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना, अब यहाँ पे ऑयल लगा लेना है इसमें। फ्रेंड, वीडियो को काटें ना आप लोगों से, बस
यही एक गुजारिश रहती है हमेशा जब भी रहती है कि आप वीडियो को ना काटें। तो फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पे लगाना है आपको, इस तरीके से इसे खोल लें। खोलने के बाद इसे खोल लें। खोलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हल्के से ऑयल लगा लें, थोड़ा थोड़ा आपको लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। थोड़ा लगाएंगे तो आपकी मशीन एकदम अच्छे से वर्क करेगी। फ्रेंड्स जो इसकी लबलबी होती है यहाँ पे भी लगाएं फ्रेंड्स, ये भी कट जाती है कभी कभी तो आवाज़ करने लगती है, तो यहाँ इसके अंदर लगा दें फ्रेंड्स। इसके बाद हमें कहाँ पे लगाना है ध्यान रखें फ्रेंड्स। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि आज हम आपको वो चीज़ दिखाने वाले हैं जो इससे पहले हमने बिल्कुल नहीं दिखाई। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ऑयल इसमें ज़रूर लगाएं ताकि ये भी अच्छे से बर करे और आवाज़ ना दे। फ्रेंड थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएं, ज़्यादा हमें नहीं लगाना है बस। और ऑयल रोज़ाना लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रोज़ाना लगाने से मशीन जिस तरीके से आप रोज़ाना नौकरी करने जाते हैं उस तरीके से आपको रोज़ाना ऑयल भी लगाना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी आवाज़ में धीरे धीरे चेंजिंग आ रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी लगा लें इस तरीके से लगा लें फ्रेंड, तो आपकी मशीन एकदम सही और स्मूथ अच्छी चलने लगेगी। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अब हम आपको बताते हैं खास जगह कहाँ पे है जहाँ पे हमें ऑयल लगाना है। फ्रेंड्स हमारी जो खास जगह है वो है ये नाल है, इसे नाल बोलते हैं। इसमें आप इस तरीके से डाल देंगे तो आपकी मशीन अगर आवाज़ करती होगी तो वो भी आवाज़ कभी नहीं करेगी। इस तरीके से फ्रेंड्स उम्मीद है आपको सही से समझ में आ रही होगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स आवाज़ इसकी बिल्कुल बंद हो गई और ये नरम चलने लगी है। फ्रेंड्स यहाँ पे और लगाएं, ये जगह और है, कहाँ पे लगाना फ्रेंड्स, इनमें और इन पुर्जों में हमें और लगा लेना ताकि हमारी मशीन अच्छे चले। इस तरीके से बस एक एक बूंद आप सब जगह रख दें, हमारा ऑयल भी नहीं बर्बाद होगा और हमारी मशीन भी अच्छी चलने लगेगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से लगाएं तो आपकी मशीन देख सकते हैं फ्रेंड्स मशीन एकदम नरम और सबसे अच्छी चलने लगी है। फ्रेंड्स आपको सिलाई करके भी हम दिखाते हैं मशीन मेरी कैसी चल रही है, बढ़िया काम करेगी। तो इसे टापा को लगा दें फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको सिलाई करके अभी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि क्योंकि अगर हम सिलाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये हमारा ये वाला आइडिया आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।